अच्छा जी, ये एक कहानी है, इसका नाम है डॉक्टर वॉल्टर। सो हमारे नेबरहुड में, मॉडल टाउन में, एक फैमिली आई है। वो कुछ मॉडर्न है बाकी लोगों से, क्रिश्चियन है, और बाकी हम ये देखते हैं कि ये कुछ हम जैसे नहीं है, कोई फर्क है। उनका बेटा है साइमन, जिसके साथ हमने खेलना मिलना शुरू किया है। उसके बाद बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जो हमने नहीं देखे हुए पहले, जिससे हमें और ख्याल आता है कि ये कोई खास क्रिश्चियन है, ये कोई आम क्रिश्चियन नहीं है। उसकी वालदा जो है वो तेजी से गाड़ी चलाती फिरती हैं और जीन्स और स्कर्ट उस जमाने में पहनती हैं, जबकि नहीं, ऐसा रिवाज था। सो ये हम एक दिन उसके घर गए हैं खेलने के लिए, तो उस वक्त का एक्सेप्ट है ये। उसको हम साइमू कहते हैं, साइमन को। अभी बरसात की बारिशें जो हर साल जुलाई और अगस्त में बहीराए अरब से आन पहुंचती हैं, लाहौर नहीं पहुंची थी और गर्मी बहुत थी। हम सब साइमू के घर बरामदे में खेल रहे थे। यकायक मिसेस वॉल्टर ने जोर से घर का दरवाजा खोला और घबराई हुई बरामदे में आई। गो होम, घर जाओ सब बच्चे जल्दी से, उन्होंने कहा। हमने हैरत से उनकी तरफ देखा, अभी कुछ ही देर पहले तो हम आए थे। कर्फ्यू लग गया है, घर जाओ, उन्होंने कहा। मगर फिर बोली, नहीं नहीं, तुम सब अंदर आओ, बाहर कर्फ्यू है, मैं तुम्हारे घरों पे फोन करती हूँ। व्हाट्स कर्फ्यू, साइमू ने मिसेस वॉल्टर से पूछा, और ये हमारे लिए, हम सब के लिए सबसे मरूब कुन बात थी। सबसे मरूब कुन यानी जब ये माँ बेटा आपस में इंग्लिश के फिक्रों का तबादला करते यके बाद बिगरे तबातर के साथ और तेज रफ्तारी से। हम हैरान रह जाते थे और दांतों तले उंगलियां दबा के उन माँ बेटे को आंखें फाड़ फाड़ के देखते। मिसेस वॉल्टर ने बताया कि वो फौज जो इस मकसद के लिए रखी हुई थी कि जंग वगैरह करने के काम आएगी, उसने खुद मुल्क ही पर कब्जा कर लिया और लोगों को मना कर दिया है कि घरों से बाहर ना निकले। मजर ने पूछा कि अगर कोई बदजात लोग जो सरकश हों और कहना ना मानते हों, इस ऐलान के बाद भी बाहर निकल आए तो क्या होगा। इस पर मिसेस वॉल्टर ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अगर निकल आए तो क्या होगा, क्योंकि वो सारी उम्र कर्फ्यू में नहीं रहती थी। आकिब ने पूछा कि क्या फौज ने गलती से कब्जा कर लिया है कोई और मुल्क समझकर। क्या बात, क्या वाह 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 वाह, बहुत खूब, फौज ने गलती से कब्जा कर लिया है कोई और मुल्क समझकर, या जानबूझ के किसी जंगी प्रैक्टिस के लिए कब्जा किया है। मिसेस वॉल्टर झुंझला गई और कहा, कीप क्वाइट। फिर वो हमसे नंबर पूछती गई और हमारे घरों में फोन करती गई। हमें से किसी के घर वालों को अभी ये नहीं पता चला था कि कर्फ्यू लग गया है, और मजर और आकिब की माओ ने मिसेस वॉल्टर से पूछा भी कि कर्फ्यू क्या होता है और क्यों लग गया। मालूम होता था कि ये सिर्फ मिसेस वॉल्टर ही थीं जिन्होंने रेडियो लगा रखा था और ये खबर सुनी थी, और ये बात बिल्कुल मुनासिब भी बैठती थी क्योंकि वो दुनिया की खबर रखने वाली एक जदीद औरत थी। उन्होंने हमारी माओ को बताया कि कोई आदमी है जिसे ज़िया ज़िया कहते हैं, उसने फौज में जनरल की नौकरी ले रखी थी, और गो के अभी कुछ साफ साफ पता नहीं चला, मगर मालूम ये होता है कि वो नमक हराम निकला है या शायद ज़हनी मरीज है, और उसने यकलख्त वजीर आजम भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट के मुल्क पर अपना और अपनी फौज का कब्जा जमा लिया। हमारी माओ ने इस खबर पर एक मुभम से अफसोस का इजहार किया, मगर उनकी नजर में ये कोई ऐसी बात न थी कि बच्चे सड़क पर चल के अपने घरों में वापस न जा सके। उनका ख्याल था कि मिसेस वॉल्टर खामखा घबरा रही थी। खैर, उन्होंने ये तो मिसेस वॉल्टर से नहीं कहा, मगर ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारे घर कौन से दूर हैं, बच्चों से कहें भाग के घर आ जाएं। मिसेस वॉल्टर हमें लेके बाहर आई और गेट से हमें निकाल के कहा कि तेज तेज भागते हुए घरों को जाओ। खुद वो गेट बंद करके कुछ देर ऊपर से झांकती रही और दाएं बाएं देखती रही कि कहीं कोई फौजी तो नहीं आ रहे जो हमें पकड़ लें या हमें गोलियों से छलनी कर दें या अपने टैंकों तले हमें रोंद के हमारे जिस्मों का मलिदा सड़क पे बखेर दें, या फिर जो भी कर्फ्यू में बाहर निकलने वालों के साथ करते हैं वो करते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो अब्बा और नवीद भाई रेडियो सुन रहे थे। अब्बा अभी अभी बाहर से वापस आए थे। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू तो है, मगर लोगों को मोहलत भी दी जा रही है कि वो अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएं।
रेडियो पर एक आदमी बड़े गम से ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया है और साबिक वजीर आजम को कहीं नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया है। मुझे साबिक का मतलब नहीं मालूम था, मगर जब मैंने पूछना चाहा तो अब्बा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया क्योंकि वो इन हमाक से रेडियो सुन रहे थे। तब नवीद भाई ने मेरे कान में बताया कि साबिक का मतलब होता है पुराना, यानी जो अब ना हो। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं थी ना थी कि जनरल जिया ने क्या 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 कुछ किया है और भुट्टो साबिक हो गया है। किया है तो किया है और हो गया है तो हो गया है, मगर अब हम क्या अपने घरों में बंद रहेंगे। शाम को एक आदमी टीवी पे नमूदार होके बोलना शुरू हुआ। जब मैंने उसे देखा और मुझे पता चला कि यही वो जनरल है जिसने कर्फ्यू लगाया है, तो मुझे खौफ महसूस हुआ। वो कोई आम आदमी नहीं था, बड़ी ढिटाई से अपने चेहरे पे बदनुमा मूछें सजाए हुए थे और जब वो बोलता था तो उसकी झींगर की सी आवाज सुन के लगता था कि वो उससे किसी की शहरत काट कर ज़िबा कर। वो अपनी वर्दी पहनकर खूब तैयारी के साथ अपने बालों में तेल मल के टीवी पर तकरीर करने आया था और उसकी वर्दी पे जा बजा तमगे आवीजा थे जो ना मालूम उसने कहां से लिए थे। काले मोटे फ्रेम की ऐनक में से उसकी आंखें बार बार ऊपर देखती थीं मेरी तरफ। उसने जनरल ज़िया ने कहा कि मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उसने कहा कि वो कोई कब्जा जमाने नहीं आया बल्कि कुछ दिनों में इलेक्शन करवा के चला जाएगा। झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, अब्बा ने कहा जलील। आपको कैसे पता है, मैंने पूछा। इसकी शक्ल पे लिखा है, देखो गौर से देखो। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी, झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मैंने कहा। हालांकि मुझे उसकी शक्ल से बिल्कुल कुछ पता नहीं चला सिवाय इसके कि वो बड़ा मफरूक था, मगर मैं अब्बा की तायीद करना चाह रहा था क्योंकि मुझे इस जनरल से नफरत हो रही थी। कैसे मैं मजे से साइमू के घर खेल रहा था जब इसकी बदजाती की वजह से मुझे अचानक घर आना पड़ा।